श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर साल भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, जिस कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसे बलराम जन्मोत्सव, चंद्र षष्ठी या हल्लई छठ के रूप में भी मनाया जाता है। दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2023 में हल षष्ठी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं इसके बारे में। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार हल षष्ठी व्रत के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास कर पूजा अर्चना करें। शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार किया जाता है। व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस का गोबर से छठ माता के चित्र बनाकर भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करें। घर में ही गोबर से प्रतीक के रूप में तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगा लें और वहां पर बैठकर पूजा के बाद हल षष्ठी व्रत की कथा सुननी चाहिए। दर्शकों, साल 2023 में हल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। षष्ठी तिथि आरंभ होगी 4 सितंबर सायंकाल 4:41 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 5 सितंबर सायंकाल 3:46 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 9:31 से दोपहर के 12:37 तक। धार्मिक मान्यता के अनुसार हल षष्ठी व्रत के दिन माताओं को निराहार व्रत रखकर छठ माता, भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन महुआ की दातून करने और महुआ खाने की परंपरा है। छठ व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल षष्ठी के दिन हल पूजा करना शुभ होता है। इस दिन हल से जुटी हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हुए तालाब में पैदा होने वाली चीजें जैसे तिन्नी का चावल, केनमुआ का साग, पसई के चावल आदि का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन भैंस का दूध, दही और घी का इस्तेमाल किया जाता है।